जय हिंद दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध क्या था, किस वजह से हुआ था, किन कारणों की वजह से हुआ था, किस जगह पर हुआ था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और एक कहानी के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह प्रथम विश्व युद्ध ने उस समय के पूरे विश्व पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा था और आज तक उस युद्ध के बारे में ऐसी विभीषिकाओं की बात होती है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। जो कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध किस तरह से उस समय का सबसे बड़ी भयावह त्रासदी थी, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है कि विश्व युद्ध जो कि क्यों उसको प्रथम विश्व युद्ध बोला गया, बाकी उससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हो चुके थे लेकिन उसको विश्व युद्ध ना बोलकर इसको क्यों विश्व युद्ध बोला गया, ये हमें एक कल्पना करनी है और इसके ऊपर हमको चर्चा करनी है दोस्तों। इसके पहले जितने सारे भी युद्ध हुए थे ना, वो नॉर्मल एक एरिया के अकॉर्डिंग हुए थे। मान लीजिए कि कोई सेना एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ती थी, जैसे मगध की सेना हो गई, बाकी उस समय के जितने महाजनपद से 16 जब महाजनपदों की बात होती थी, चाहे और भी जितने युद्ध थे, वो एक नॉर्मल एक या दो देशों के मध्य लड़े जाते थे। लेकिन इस युद्ध में किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं थी, जिसके मन में आया जिस पर अटैक कर दिया और दूसरा पक्ष बना लिया, समझ में आया। इसी कारण अनेक कारणों की वजह से इसको हमने प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया, समझ में आ गया। विश्व युद्ध मतलब कि पूरे देश जो कि विश्व में रहते हैं, पूरे विश्व के देश, उन्होंने अपना नुकसान और फायदा देखकर इस युद्ध में भाग लिया, समझ में आया, इसीलिए इसको हम प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की, कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और वो समय क्या रहा था, तो दोस्तों जब हम प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो एक्चुअल डेट निकल कर आती है वो ये निकल कर के आती है 28 जुलाई। क्या निकल के आती है? 28 जुलाई 1914। क्या निकल के आती है? 28 जुलाई 1914, ठीक है। 28 जुलाई 1914 से लेकर से 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। इतनी समय अवधि में ये विश्व युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। दूसरी बात, जगह क्या थी, तो इसकी जो जगह थी हम आपको बताएंगे। इसकी जो जगह थी वो था यूरोप, क्या था? यूरोप। और क्या था? अफ्रीका था। और क्या था? अफ्रीका था और एशिया। और क्या था? एशिया। तो ये तीन महादेशों में, तीन महाद्वीपों में ये युद्ध व्यापक स्तर पर लड़ा गया था, समझ में आया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये तीनों महादेश उस समय प्रथम विश्व युद्ध की इस भयावह त्रासदी में शिकार हो चुके थे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ठीक है ना। दूसरी बात, माध्यम, माध्यम की अगर हम बात करें तो माध्यम क्या होता है, उस समय माध्यम कैसा होता था, माध्यम मतलब सेना कितने प्रकार की होती है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेनाओं के माध्यम से उस समय का युद्ध लड़ा गया था। तो हम लिख लेंगे यहां पर कौन कौन सी सेना, जल सेना और थल सेना और वायु सेना, ये तीन युद्ध व्यापक स्तर पर लड़े गए थे। इतने व्यापक स्तर पर लड़े गए थे कि इन तीनों सेनाओं का यूज किया गया था उस समय के शासन, उस समय के युद्ध में, समझ में आया। अब बात आती है कि इस युद्ध में कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था उसकी बात करेंगे। तो इस युद्ध में कुल 37 देश थे। कितने देश थे? 37 देशों ने पार्टिसिपेट किया था।
मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इतने देशों ने कभी युद्ध किया था। इसी कारण इसका भी एक कारण था इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध बोलने का, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्षति, नुकसान कितना हुआ था उस युद्ध में, हमें नुकसान कितना देखने को मिला था, इसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों उसमें कुल मिलाकर 1,70,00,000 लोगों, यानी लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 10 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। मतलब कि 10 करोड़ लोगों ने लगभग इस देश इस प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आया? तो क्षति कैसी हुई थी, लगभग 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कैसे बोलूंगा मैं कि लगभग 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1,70,00,000। अब उसमें से भी 1,10,00,000 क्या थे, सैनिक थे, क्या थे, सैनिक थे। और जो 60,00,000 थे वो आम नागरिक थे। कौन थे? आम नागरिक थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आज 2021 चल रहा है और आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा के पहले समय से पहले उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी रही होगी। उसमें से लगभग 10 करोड़ लोगों का इस प्रथम विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना उस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी, ठीक है ना। जिसमें से 1,10,00,000 सैनिक जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो बलिदान दे दिए थे। और 60,00,000 लोग क्या थे, आम नागरिक थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? तो ये है प्रथम विश्व युद्ध। अब जब हम इसकी कहानी में और इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो उसको समझेंगे कि क्या होता है। आप इसको लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा इस स्टोरी के माध्यम से इस पूरे प्रथम विश्व युद्ध को समझने का हम प्रयास करेंगे। समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इस युद्ध को स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तो सबसे शुरुआत में अगर हम बात करें तो केवल दो देश थे, है ना। कौन थे? सिर्फ दो देश थे, एक था सर्बिया और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। एक कौन था? एक सर्बिया था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया था। कौन कौन से देश थे? पहला था सर्बिया और दूसरा कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया, है ना। ये दो देश थे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। असली जो प्रथम विश्व युद्ध की जो जड़ थी, अगर आप सुनेंगे तो आप स्वयं सोचेंगे कि इतनी सी बात के लिए उस समय के राष्ट्र अध्यक्षों ने किस तरह से अपने अहंकार को वश में ना करके इस पूरे विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ताकत में झोंक दिया था, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो सर्बिया था, ये सर्बिया एक देश था और एक ऑस्ट्रिया भी क्या था, उस समय का एक देश था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो सर्बिया के जो राष्ट्र, मतलब सर्बिया के जो शासक थे, है ना, सर्बिया का जो शासक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था फ्रांसिस जोसेफ। उनका नाम क्या था? उनका जो नाम था आपका गैब्रिले। क्या नाम था उनका? गैब्रिले जो प्रिंसेप। क्या नाम था उनका? गैब्रिले प्रिंसेप। क्या नाम था उनका? गैब्रिले प्रिंसेप। समझिए इस बात को, कहानी को हम स्टार्ट करने वाला हूं, है ना। गैब्रिले प्रिंसेप थे। कौन?
सर्बिया के जो उस समय के प्रिंस थे ना, उस समय का जो राजा थे वो कौन थे, गैब्रिले प्रिंसप, है ना। और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उस समय के, उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका फ्रेंस जोसेफ। क्या नाम था उनका, फ्रेंस जोसेफ। तो ऑस्ट्रेलिया के उस समय के जो थे राजा, उनका नाम क्या था, फ्रेंस जोसेफ। क्या नाम था, फ्रेंस जोसेफ। उनका एक लड़का था, उनके लड़के का नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। क्या नाम था, फ्रांसिस फर्डिनेंड। क्या नाम था, फ्रांसिस फर्डिनेंड। अब समझिए इस युद्ध के बारे में, है ना। पूरा मैंने एक रूपरेखा तैयार कर दी है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। सर्बिया के जो शासक थे उनका नाम क्या था, गैब्रिले प्रिंसेप। प्रिंसेप नाम के एक राजा थे उन्होंने, और ऑस्ट्रिया के क्या थे, राजा का नाम फ्रेंस जोसेफ था, ठीक है ना। उनका एक लड़का था। तो उनका जब लड़के ने पापा से जिद की कि पापा मुझे बोस्निया जाना है। कहाँ जाना है, बोस्निया जाना है। तो उनका लड़का क्या हुआ, बोस्निया चला गया। बोस्निया की क्या बोस्निया चला गया, उसकी राजधानी क्या है, उसकी जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था साराजेवा। क्या नाम था उसकी राजधानी का, नाम साराजेवा। समझिए पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, पूरी चीज़ों को पहले जमा रहा हूँ मैं, है ना। तो जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे ना, उनका नाम क्या था, फ्रांसिस फर्डिनेंड। क्या नाम था, फ्रांसिस फर्डिनेंड। एक दिन वो अपने बालकनी में टहल रहे थे और उनके दिमाग में आया, और उन्होंने क्यों सोचा कि क्यों ना मैं बोस्निया जाऊं, है ना। कहाँ जाऊं, बोस्निया। तो बोस्निया की राजधानी क्या थी, साराजेवा। बोस्निया नाम का था ना एक देश था, उस बोस्निया नाम के देश की जो राजधानी थी क्या थी, साराजेवा, है ना। तो क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड इस बोस्निया नामक देश में गए और उस राजधानी में, उसकी राजधानी साराजेवा में घूम रहे थे, तो क्या हुआ, सर्बिया के लोगों ने इस राजकुमार की क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि सर्बिया के शासक ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की क्या कर दी, हत्या करवा दी। वो हत्या करवाई 28 जून 1914 को, है ना। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड बोस्निया नामक देश के उसके राजधानी साराजेवा में टहल रहे थे, उसी समय सर्बिया के जो शासक थे गैब्रिले प्रिंसेप, इन्होंने इस राजकुमार की हत्या करवा दी। कब, 28 जून 1914 को। कब करवाया, 28 जून 1914 को इसकी हत्या करवा दी। ठीक उसके यहीं से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों में बिल्कुल विद्रोह हो गया, और उन्होंने, ऑस्ट्रिया के लोगों ने बोला हमें अपने राजकुमार के कत्ल का बदला चाहिए, है ना। तब जाकर उसके जो फ्रेंड्स जोसेफ थे उन्होंने सर्बिया के शासक गैब्रिले प्रिंसप को बोला कि आप अपने उन लोगों को पकड़िए जिन लोगों ने हमारे राजकुमार की हत्या की है। परंतु ऑस्ट्रिया के बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ, कोई असर नहीं हुआ। यानी कि सर्बिया के लोगों ने इनकी हत्या की थी, ऑस्ट्रिया के लोगों ने बार बार सर्बिया के लोगों से कहा कि आपने जिसने भी हत्या की है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन ऑस्ट्रिया के किसी भी बातों का सर्बिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। तब क्या हुआ, 23 जून को, लगभग 28 जून को उनकी हत्या हुई। क्या हुई, हत्या हो गई, है ना। क्या हो गई, हत्या हो गई। लगभग एक महीने बाद, बार बार ऑस्ट्रिया वाला सर्बिया को बोलता था,
अपने जिसने भी हमारे राजकुमार को मारा है उसको तुरंत आप बाहर करो, देश से बाहर करो, चाहे उसको उसको उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन इस सर्बिया के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं पड़ता था, यही किस कान से सुनता था इस कान से निकाल देता था, इस कान से सुनता था एक कान से निकाल देता। तो ऑस्ट्रिया वाला सोचा दूर ससुरा इसको जो है ना, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया वाले ने बोला, ए तुमको हम सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अब हम तुमको सबक जरूर सिखाएंगे। इसीलिए ऑस्ट्रिया के लोगों ने, ऑस्ट्रिया के शासक ने, फ्रेंस जोसेफ ने क्या किया, 23 जुलाई के, कब 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अंतिम चेतावनी जारी की, कब 23 जुलाई 1914 को अंतिम चेतावनी जारी की कि अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया, अगर आपने उस हत्यारे को सजा नहीं दी तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, है ना। कब किया था, 23 जुलाई 1914 को जो है ना उन्होंने, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी जारी की। फिर क्या हुआ, अब ये लोग सोचे कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध होने कगार पर था, है ना। लेकिन 23 जुलाई को बताने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तब जाकर ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने अंत में जाकर 28 जुलाई 1914 को युद्ध का ऐलान कर दिया। क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रिया सर्बिया को थूरने के लिए पहुंच रहा है, मतलब कि ये हो गया कि ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। अब देखिए ट्विस्ट कहां से आता है, पहले लड़ रहे थे ये दोनों, अब ऑस्ट्रिया को मदद देने के लिए एंट्री होती है जर्मनी की। किसकी एंट्री होती है, जर्मनी की। यानी ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया, उसका पुराना मित्र था जर्मनी, है ना। वो होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि कहीं लड़ाई होता है तो एक दूसरे के पीछे दूसरा खड़ा हो जाता है, तो इन जब दोनों का लड़ाई हुआ ना तो कौन आके खड़ा हो गया, ऑस्ट्रिया की तरफ से कौन आके खड़ा हो गया, जर्मनी। कौन खड़ा हो गया आके, जर्मनी। यानी जर्मनी बोला, ए सर्बिया अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब हम तुमको दोनों जन मिलकर तुमको मारेंगे। जब तक इस साइड से भी कमी नहीं थी, है ना, जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर सर्बिया से बोला, ए सर्बिया अब तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें बिल्कुल तबाह करके रख देंगे, तब आया इधर से कौन, इधर से आता है रूस। कौन आता है, रूस। बोला, ए ज़्यादा उचको मत, अभी हमको तुम जानते नहीं हो, है ना। इस तरह से बात हुई, रूस ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को, दोनों को बोला तुम अपने हद में रहो, अभी हमें जानते नहीं हो कि हम क्या करेंगे। अब जर्मनी बोला, है तू बीच में कैसे आ गया, है ना। तो जर्मनी को क्या हुआ, धक्का लगा जब उसको ये सुना कि ये मुझे कोई ललकार रहा है, तो उसने बोला अब ऑस्ट्रिया और सर्बिया चुपचाप बैठे हुए हैं और असली लड़ाई हो रहा है जर्मनी और रूस का। बोला, ए रूस तुम हमको बोलोगे कि हम कौन हैं, अब तुम्हें हम सबक सिखाते हैं। तो जर्मनी ने सबसे पहले किसके खिलाफ, 28 जुलाई हुआ था ना, उसके 3 दिन बाद, यानी 29, 30, 31, 1 अगस्त के दिन, कब 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ, किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। क्या की, युद्ध की घोषणा की। ए बाप रे, ये तो पूरा यहाँ पे कहानी बदल गया। पहले लड़ाई हो रहा था सर्बिया का और ऑस्ट्रिया का, दूसरे जर्मनी और रूस लड़ने लगा, है ना। तो रूस बोलता है, जर्मनी के बगल में एक फ्रांस नाम का देश है, है ना, उसका पड़ोसी है। जर्मनी का पड़ोसी कौन है, है ना, जर्मनी का पड़ोसी एक फ्रांस नाम का देश है। तो रूस वाला बोलता है, फ्रांस है भाई, जर्मनी को समझा ना दे, हमसे काहे के लिए उलझ रहा है, वो जानता नहीं हम थूर थार देंगे कहीं भी, उसको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, है ना। तो रूस जो किससे बोला, फ्रांस से, भाई पड़ोसी है समझा दे यार उसको, हमसे ना उलझे, है ना, नहीं तो थूर थार देंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो रूस ने फ्रांस से बोला
कि फ्रांस भाई तुम जाके जर्मनी को समझाओ कि वो हमसे ना उलझे, नहीं तो उसको हम तबाह करके रख देंगे, है ना। तब फ्रांस जर्मनी से बोलता है, भाई काहे के लिए बेमतलब में हल्ला कर रहा है, दोनों लड़ रहा था, उन दोनों को लड़ने देना आपस में, तू काहे ला बीच में उचक रहा है। बोला ए फ्रांस तुम बीच में मत बोलो, रूस हमारा दुश्मन है, हम उसको कुछ भी करेंगे, तुम कौन होते बीच में, हमारे पड़ोसी हो, पड़ोसी बन के रहो। अब जर्मनी, फ्रांस बोला थोड़ा ढंग से बात कर भाई, अच्छे से बात करो, है ना। बोला जर्मनी बोला अच्छा तुमको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो जर्मनी ने फ्रांस को सबक सिखाने के लिए, फ्रांस तो चुपचाप आया था शांति समझौता करवाने के लिए, लेकिन जर्मनी उस समय इतना अहंकार में चूर था, इतना सा छोटा सा देश पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो जर्मनी उस समय इतना अहंकार में चूर था कि उसने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। उसने बोला हम फ्रांस पहले तुमको थूरेंगे, उसके बाद रूस को थूरेंगे, है ना। तो क्या हुआ, 3 अगस्त, 1 अगस्त को रूस के साथ लड़ाई करने का ऐलान किया, 3 अगस्त को किसके साथ, 3 अगस्त को फ्रांस के साथ। युद्ध का ऐलान, है ना। यहां तक समझिए पहले, पूरा मैंने इतना तक लिख दिया, पूरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले किसकी लड़ाई थी, सबसे पहले 2 देशों की लड़ाई थी, सर्बिया और ऑस्ट्रिया, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। सर्बिया के जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, सर्बिया के द्वारा, है ना, सर्बिया के द्वारा फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया के लोगों ने सर्बिया से कहा कि आप जिसने भी हत्या की है आप उसको सजा दीजिए, लेकिन सर्बिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, है ना। तो अंत में ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई 1914 को अंतिम चेतावनी जारी की और बोला कि आप अभी से भी संभल सकते हैं और आप अभी से भी उस व्यक्ति को सजा दे सकते हैं जिसने इसकी हत्या की है, है ना। चलिए ये हो गया, जब सर्बिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, यहाँ से सुन रहा था यहाँ से निकाल रहा था, बाद में ऑस्ट्रिया बोला अब हमको तुमको थूरेंगे, अब तुम नहीं सुधरोगे। तो फिर क्या हुआ, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया, सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए कौन आया, जर्मनी। सर्बिया का साथ देने के लिए कौन आया, रूस। जर्मनी बोला है हम तुमको पहले थूरेंगे। तो जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी, बोलेंगे पहले तो हम सर्बिया को बाद में मारेंगे, पहले रूस ससुरत, पहले तुम्हें थूरेंगे। रूस किसको बोला, फ्रांस भाई समझा दे यार जर्मनी को, है ना, बहुत ज़्यादा उचक रहा है वो, है ना। बोला अरे मैं अभी जाके समझाता हूँ। वो जर्मनी को समझाने गया कि भाई रहन दे, जर्मन ठीक उसके ऊपर ही दोबारा उसने युद्ध की घोषणा कर दी, यानी जर्मनी फ्रांस तो समझाने गया था। अब बोलते हैं ना कि जब कोई लड़ाई करता है उसके बीच में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पकड़ पहले जिससे उसकी लड़ाई है पहले तो उसको बाद में मारेगा, पहले बीच वाले को थूरेगा। वही हाल हुआ फ्रांस के साथ, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, 3 अगस्त को फ्रांस के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब क्या हुआ, अब एक बात आती थी इसमें बात ये आती थी कि जब जर्मनी को जो जर्मनी नाम का जो देश है, जब जर्मनी को कहाँ जाना है, फ्रांस जाना है, तो बीच में एक देश पड़ता है, उस देश का क्या नाम है, उस देश का नाम है बेल्जियम, है ना। बेल्जियम एक छोटा सा देश, सुखी रहता था, किसी से ना लेना ना किसी से देना, कुछ नहीं, बस अपने में मग्न रहता था। अब वो क्या करे, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो था, तो क्या हुआ, जर्मनी जब फ्रांस जा रहा है तो उसको किसका रास्ता का यूज करना है, बेल्जियम को। तो जर्मनी की पूरी सेना बेल्जियम से होकर जब फ्रांस की तरफ आगे बढ़ने लगी तो बेल्जियम बोला, डर के मारे बोला, ए दादा दूसरे रास्ते से ना चले जाओ, यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो बोला ए बेल्जियम, इतना सा छोटा सा देश हो के तुम हमसे मुंह चलाएगा, तुम्हारा औकात तुमको पता नहीं है। अब इसमें एंट्री होता है इंग्लैंड का, किसका, इंग्लैंड का एंट्री होता है। बोला ए जर्मनी, बेल्जियम को अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो हम ये समझेंगे कि उसने इंग्लैंड की तरफ आंख उठाया है, तुम बेल्जियम को कुछ नहीं करोगे, क्योंकि बेल्जियम की रक्षा करने का
अधिकार केवल हमारे पास है और हमसे उसकी संधि हुई है। दरअसल बहुत पहले इंग्लैंड और बेल्जियम की संधि हो चुकी थी कि बेल्जियम के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो वो अटैक किसके ऊपर माना जाएगा, इंग्लैंड के ऊपर माना जाएगा। समझ में आया, किसके ऊपर माना जाएगा, इंग्लैंड के ऊपर माना जाएगा। समझ में आया। तो जब जर्मनी फ्रांस जा रहा था तो बीच में एक देश पड़ा बेल्जियम। बेल्जियम ने बोला कि इस रास्ते से नहीं जाने देंगे, तो जर्मनी बोला तुम्हारी औकात है जो हमको रोकोगे, तुम कितने छोटे देश हो, इतने में मसल के रख देंगे। तो इंग्लैंड बोला है उसको मसलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। देखो अब कैसे इंग्लैंड की एंट्री होती है, इंग्लैंड की एंट्री होती है तो जर्मनी बोला है इंग्लैंड तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तो इंग्लैंड बोलता है बेल्जियम की रक्षा करने का अधिकार हमारा है और बेल्जियम को हम जिंदगी भर उसको रक्षा करेंगे, जब तक बेल्जियम रहेगा तब तक। समझ में आ गया। बोला चलो ठीक है, अब हम फ्रांस को बाद में मारेंगे, सबसे पहले हम इंग्लैंड तुमको थूरेंगे। ऐसा सुरा जर्मनी इतना सा तो देश है ना, काहेला इतना उचक रहा था, सबसे पहले रूस के खिलाफ भी लड़ेगा, फ्रांस के खिलाफ भी लड़ेगा, अब इंग्लैंड के खिलाफ भी लड़ेगा। तो अंत में क्या हुआ, 8 अगस्त 1914 को जर्मनी ने, 8 अगस्त 1914 को जर्मनी ने इस इंग्लैंड के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर दिया। ये बुझ लिया था कि दाल भात का कौर है, सौनेंगे और खा लेंगे। उसको जा पता नहीं था कि रूस कितना बड़ा देश है। उस समय उसके पास 12 मिलियन फौज थी, किसके पास, रूस के पास। और आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, कितना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो उस समय रूस के पास 12 मिलियन की फौज थी और इंग्लैंड तो खुद पूरे विश्व पर अपना वो जो था वर्चस्व फहरा रहा था, फ्रांस भी कम था नहीं। हाँ फ्रांस का क्या था, तुरंत का किससे उभरा था, फ्रांसीसी क्रांति से उभरा था, लेकिन वो भी कम नहीं था। अब जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी इनके चक्रव्यूह में फंस गया। जर्मनी को रूस से भी लड़ना था, जर्मनी को फ्रांस से भी लड़ना था। अब देखिए जिसने स्टार्ट किया वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है, बोल रहा है ये सब पगला गया है, हम दोनों तो मिल जाएंगे, सब अपने में लड़ रहा है। देखिए सर्बिया और ऑस्ट्रिया का कोई नामे नहीं है, सब ये लोग बीच में आ गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो लोगों की लड़ाई में दूर से ही देखो तो फायदा है, ये दोनों ससुरा चुपचाप बैठ के देख रहा है, अपना ऊपर बैठ गया है और लड़ाई नीचे हो रहा है, सब तमाशा देख रहा है। ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया लड़ कौन रहा है, इंग्लैंड रूस फ्रांस जर्मनी, ये आपस में सब लड़ रहा है। तो कहानी का ट्विस्ट है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, तो मित्र राष्ट्र की सूची में आएंगे रूस इंग्लैंड और कौन, फ्रांस, बाद में अमेरिका का भी नाम जुड़ जाता है, बाद में अमेरिका का भी नाम जुड़ता है। इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे कि अमेरिका कब आया है ना। अब जर्मनी तो केवल अकेले है, बाद में इटली आया है ना। ऑस्ट्रिया को दरअसल आप एक और नाम से जान सकते हैं, इसको एक और नाम बोलते हैं हंगरी, क्या बोलते हैं, हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी नाम हमेशा बोलना, जब भी बोलना इसको तो ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम बोलना। समझ में आया। अगर इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का मेन कारण माना जाएगा तो फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या माना जाएगा। समझ में आया। और जर्मनी को उस समय बहुत अधिक अहंकार हो गया था, इतना अहंकार हो गया था कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, जो उसको समझाने आता पकड़ के पहले उसी को थूर देता था, जो उसको समझाने आया पहले पकड़ के उसी को थूर देता था। ऐसा लगता था कि वो सब भांग पियले है और वो अमृत पियले है ना। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत। इस प्रथम विश्व युद्ध को ग्लोबल वॉर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्लोबल वॉर बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, द ग्रेट वॉर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, द ग्रेट वॉर बोला जाता है। समझ में आ गया। तो ये द ग्लोबल वॉर भी बोला जाता है और द ग्रेट वॉर भी बोला जाता है। कब से कब तक चला, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। इसके सेकेंड पार्ट में और इस कहानी को विस्तृत रूप देंगे। समझ में आया। अभी केवल इतनी कहानी है और इस कहानी को आप समझिए और कॉपी में अपना नोट्स बनाइए। समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से भाषा में हमने समझाया है कि जर्मनी अकेला पड़ता गया और आप खुद देख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में कितने नाम हो गए,
रूस का नाम हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद में अमेरिका आएगा, है ना, बाद में जापान भी जुड़ जाएगा इसमें। तो जैसे जैसे नए नए देश जुड़ेंगे ना, हम उसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, है ना। तो सेकेंड पार्ट में इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।